नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल इंडियंस जॉब एंट्री में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं इंडियन नेवी के जो सिविल की आपकी भर्ती आई है ट्रेड्समैन मेट की, तो दोस्तों उसमें अगर आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने 14-15 कैटेगरी बताई है। दोस्तों आपको सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी, आपको वहाँ जाके कौन सा काम मिलेगा और उस काम में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं हम। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपको ये जानकारी इतनी अच्छी लगेगी दोस्तों, ना तो ये आपको किसी ने अभी तक बताई होगी और आगे जाके बताएगा तो बहुत बाद में बताएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको यही सब पता होना चाहिए कि आप उसमें भर्ती होने जा रहे हो तो आपको मतलब उसमें क्या क्या करना होगा, ठीक है दोस्तों। और एक नई बात दोस्तों, अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय मतलब आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या क्या नहीं होने चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। और दोस्तों ये सारी वीडियो जो हमने अलग अलग वीडियो बनाई है, एज के लिए अलग वीडियो बनाई है कि उसमें एज कितनी चाहिए, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए अलग बनाई है कि आपको ITI चाहिए नहीं चाहिए, जो कुछ भी है सारी जानकारी उसमें क्लियर की है। उन सारी वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जा सकते हो। और दोस्तों इसका जो एग्जाम होगा तो उसका जो सिलेबस रहेगा उसकी भी वीडियो हम बना चुके हैं, तो उसको भी जरूर देखना। वो सारी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में जरूर मिल जाएंगे दोस्तों, उनको देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बताते हैं सारी जानकारी। देखिए दोस्तों आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा नेचर ऑफ ड्यूटी जॉब प्रोफाइल इंडिकेटिव ड्यूटीज रिलेटेड टू पोस्ट इज एज फॉलो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, आपको लेके चलते हैं नंबर एक कैटेगरी पर। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बोला है कि वर्किंग इन प्रोडक्शन मेंटेनेंस ऑफ शॉप शिप सबमरीन। दोस्तों इसका मतलब होता है वर्कशॉप और शिप होती हैं जहाज, सबमरीन होती हैं। दोस्तों इनका क्या होता है, इनकी मतलब वर्कशॉप वगैरह होती है तो उनमें जो काम होता है आपको वहाँ पर हेल्पर का काम करना पड़ता है, उनको जो मदद होती है छोटी मोटी आपको वो करनी होती है, ठीक है। जैसे जो इंजीनियर होते हैं वो बोलेंगे आपको कोई एक मतलब ये मेरे को देना, वो देना, इसको रख देना, तो ऐसे करके आपको वहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये नंबर एक में वो आ जाती है, ठीक है, सबमरीन वगैरह शिप में। अब दोस्तों नंबर टू की बात कर लेते हैं। नंबर टू में यहाँ पर बोला है जनरल क्लीननेस अपकीप ऑफ द सेक्शन यूनिट। दोस्तों इसमें इन्होंने बोला कि सामान्यतः जो भी सेक्शन और यूनिट होते हैं उसके, ठीक है, वर्कशॉप वगैरह उसमें। दोस्तों इन्होंने बोला कि जनरल क्लीननेस एंड अपकीप ऑफ द सेक्शन एंड यूनिट, तो इसका मतलब दोस्तों वहाँ पर जो भी सेक्शन और यूनिट हैं तो उनकी सफाई जो करनी होती है तो उसके लिए भी आपको चुना जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी है, ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, बढ़िया नौकरी है। नंबर तीन में देखिए कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड अदर पेपर्स विद इन द ऑफिस एरिया। दोस्तों जो भी इसका ऑफिस एरिया होता है उसके अंदर आपको जो फाइल होते हैं इंपॉर्टेंट, उनको मतलब जो भी ऑफिसर होते हैं उनकी उनकी जो ऑफिस होते हैं तो उनके अंदर जो फाइल को इधर उधर रखना या मतलब किसी को ज़रूरत है तो उसको वहाँ पहुँचाना, तो उनके लिए भी आपको वहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये हम आपको कैटेगरी बता दें जॉब प्रोफाइल आपको कौन कौन सी मिल सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पर लेके चलते हैं, इन्होंने बोला कि फोटो कॉपिंग सेंडिंग रिसीविंग ऑफ फैक्स लेटर ETC। जैसे दोस्तों वहाँ पर एक फ़ोटो प्रिंटिंग की मशीन, एक रूम टाइप का होगा मशीन होंगी, तो आपको फोटो कॉपी कोई मतलब ऑफिसर आते हैं मतलब इसकी फ़ोटो कॉपी कर देना या ये कर देना या फैक्स कर देना, जो कुछ भी है सेंडिंग रिसीविंग वो सारा काम भी आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। ये भी सारी कैटेगरी आपको जो फाइनल मेरिट लगेगी उसके हिसाब से आपको बांट दिया जाएगा, जो भी सबसे लो मेरिट वाले कैंडिडेट आएंगे उनको जैसे क्लीननेस में और बहुत सारी भी देखिए सारी जो भी कैटेगरी है उनके बाद आपको पता चलेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी तक अगर आपने नहीं किया। अब दोस्तों नंबर पाँच अदर नॉन क्लैरिकल वर्क इन द सेक्शन यूनिट। जो क्लैरिकल वर्क नहीं होते हैं, ठीक है, तो उन जो सेक्शन और यूनिट के अंदर भी होंगे तो उनमें भी आपको वहाँ पर बांट दिया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, उन्होंने बोला असिस्टेंट इन रूटीन ऑफिस वर्क लाइक डेयरी डिस्पैच एंड इंक्लूडिंग ऑन कंप्यूटर, ठीक है। तो दोस्तों आपको एक असिस्टेंट के रूप में भी काम करना पड़ सकता है, जैसे वहाँ पर क्या होता है एक मतलब रूम होता है, ठीक है, उसके अंदर सारी मतलब जो अपर रूम मतलब सारा सामान इकट्ठा रखा रहता है, तो वहाँ से जो भी डिस्पैच सामान होता है उनके निकालने के लिए रखने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको वहाँ पर रखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर डायरी है डिस्पैच इंक्लूडिंग ऑन कंप्यूटर, जो कुछ भी है वहाँ पर आपको उसके लिए रखा जा सकता है। और दोस्तों नेक्स्ट आती है डिलीवरिंग ऑफ डार्क इनसाइड एंड आउटसाइड द सेक्शन एंड यूनिट। जो भी सेक्शन और यूनिट होते हैं तो वहाँ पर कोई भी लेटर वगैरह या कोई इंपॉर्टेंट फाइल वगैरह जो कुछ भी आपको इधर से उधर पहुँचाने में और मतलब उसमें आपको वहाँ पर काम दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर डार्क है लेकिन यहाँ पर डार्क मतलब उसको रख देंगे, ठीक है, ये गलत हो गया है, डार्क लिख दिया।
ठीक है दोस्तों। अब नंबर 8 आती है वॉच एंड वॉर ड्यूटी। दोस्तों वॉच एंड जो भी वॉर्ड होते हैं उनके अंदर भी आपको ठीक है वहाँ पर आपको जॉब दे दी जा सकती है, वहाँ पर आपको उसकी देखरेख वगैरह सब कुछ करनी होगी, ठीक है। ये ड्यूटी नंबर देखिए 8 क्लियर कर चुके हैं। अब बात आती है नंबर 9 की ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यूटी। ये ओपनिंग और क्लोजिंग होती हैं, इसमें बहुत सारी आ जाती हैं, जैसे ठीक है गेट पर भी होती हैं, ठीक है। आपको इसकी एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपकी आने वाली है कि आपको वर्दी मिलेगी या मतलब कौन कौन सी सुविधाएं फैसिलिटी क्या क्या मिलेंगी, उसकी वीडियो हम अलग से बनाएंगे। दोस्तों हमारा उद्देश्य ये है कि एक वीडियो में एक ही चीज़ क्लियर करें, आपके दिमाग में ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यूटीज हो जाती हैं। अब बात आती है नंबर 10 में, इन्होंने बोला क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग पिक्चर ETC। दोस्तों इसमें जो भी बिल्डिंग होती है उसको साफ सफाई करने के लिए, झाड़ू पोछा लगाने के लिए भी आपको वहाँ पर रखा जा सकता है, ठीक है। और नंबर नेक्स्ट इन्होंने बोला डस्टिंग इन फर्नीचर। दोस्तों वहाँ पर भी जो फर्नीचर टेबल में जो भी कुर्सी वगैरह जो होती है तो उन पर क्या होता है कि जब ऑफिस मतलब ख़त्म हो जाता है शाम को काम तो सब अपने अपने वहाँ चले जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है डस्ट जम जाती है, उसको साफ सफाई करने के लिए, धूल साफ करने के लिए आपको वहाँ पर रखा जा सकता है, ठीक है। और नंबर 12 भी बात अपकीप सब पार्क्स लॉन पोटेट प्लांट्स ETC। इन्होंने इसका मतलब होता है कि मतलब पार्क होते हैं, लॉन होते हैं, लॉन मतलब घास का जो मैदान होता है बैठने का वो वगैरह, और जो पौधे होते हैं ठीक है गमले वगैरह में पानी देना, वो सारी सब मतलब वो जानकारी आपको ये मिल रही है, इसको देखते जाइए और वो आपको गमले वमले का घास वास का काटने का काम वो सारा आपको एक तरह माली की तरह आपको काम करना पड़ सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात आ जाती है एंड अदर वर्क असाइंड बाई सुपीरियर अथॉरिटी। दोस्तों जो भी आपकी सुपीरियर अथॉरिटी मतलब जो भी आप वहाँ हो आपसे ऊपर के जो भी हैं वो आपको जो भी काम देंगे वो आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। जो भी काम देंगे मतलब वो नहीं, वो मतलब उन्होंने बोला कि इस फाइल को रखाओ ठीक है या इसको काम कर दो, इसको वहाँ ले जाओ, तो वो सारा आपको काम करना पड़ सकता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपकी सारी जानकारी क्लियर होती है, हमको आशा है आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और यहां तक हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और आप सभी को हमारी प्यार भरी दिल से राम राम।